हाँ जी बेटा, चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑल द ये आपके क्लास 8th में भी चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर 8 में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। सो अब भी हम यही पढ़ेंगे बेटा, नॉट सो मच इन डिटेल, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर। सो हेयर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बेटा कि इन चैप्टर 6 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोसेसेस लाइक, हम किन किन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, हाँ जी, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा, मीन्स वी हैव एक्सेट्रा, ठीक है, विच आर वे विच आर एसेंशियल टू सर्वाइव। ओके, दैट मीन्स इफ एनी ऑफ द और भी हैं, वी आर हैविंग रेस्पिरेशन ऑल्सो, और भी है, तो अगर एक भी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब होता है तो बाकी हमारे सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सो हेंस दे आर एसेंशियल टू सर्वाइव। बट हेयर रिप्रोडक्शन इज अनदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बट इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वी कैन लिव विदाउट इट, बट देन वाई why it is required, फिर क्यों required है, what is the requirement for this process? So because बेटा we are able to observe different species around it, around us, हम अपने आसपास different species देखते हैं, of course वी आर एबल, यस बच्चे माइक ऑफ करा करो बेटा, वी आर एबल टू नोटिस एज, हम उन स्पीशीज को ज़्यादा नोटिस करते हैं एज दे आर लार्ज इन नंबर, ठीक है। अब हम अपने आसपास देखते हैं तो सबसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें डॉगी, डॉग बड़ी जल्दी पहचान में आते हैं क्योंकि उन्हें डॉग इजीली विजिबल होता है, हम अपने आसपास आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। टाइगर हम उन्हें टीवी में दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे, बट डॉग हम उन्हें डे टू डे लाइफ में दिखा सकते हैं, सो देयर वो उनकी आवाज़ सुनकर भी इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम उन स्पीशीज़ को इजीली नोटिस कर सकते हैं जो कि लार्ज है नंबर में, बिकॉज दे आर लार्ज। अगर ये सिंगल सिंगल होते बहुत सारे तो हमारे लिए नोटिस करना इतना ईजी नहीं होता। सो रिप्रोडक्शन जो है is essential for the continuity of the species। So for maintaining the continuity of a species so that the species can be available for the next generation, reproduction process is necessary. So, सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि what is species? Species है क्या? तो can anyone define what is species? Species क्या है? Yes, anyone? So, of reproduction. First of all, so first of all we will read about different types of asexual mode of reproduction।
इसमें भी पढ़ेंगे यूनी और मल्टी, और मल्टी साथ में हम पढ़ेंगे फ्यूजन है तो फ्यूजन के भी टाइप्स होते हैं। सो ये 1 और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें होता क्या है बेटा, हेयर आपने अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस होता है। सो वेयर देयर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन द माइटोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस इन विच ओनली देयर विल बी रिपीटेड डिवीजन एंड हेंस 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से सेल्स बनेंगे एंड हेंस अ पार्ट इज डेवलप्ड। बिकॉज इसमें कोई प्रॉपर ऑर्गन्स तो बनते नहीं हैं। सो ए वर्ड विल बी डन हेयर सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसी में ही हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से एक लिजर्ड की जो टेल है वो डेवलप हो जाती है। सो इट कैन बी डेवलप फ्रॉम द, हाँ तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। Because there is no meiosis, there is only mitotic division. So here certain body cells of the organism undergoes repeated, of course repeated word use karna hai because bar bar tabhi develop hoga, sorry mitotic. We can have 2 or more than 2. Sets or individual. दो या दो से ज़्यादा set या individuals. ठीक है, of same kind definitely. और उसका एक step होता है proper. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे most common. फ्यूजन नंबर 1। फ्यूजन आपने सोर्स ऑफ एनर्जी में भी फ्यूजन पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन को अगर हम नॉर्मली बोलते हैं तो फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। सो फ्यूजन में क्या है, द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट divides into or more offspring is called fission, or we can say word better word is daughter cells. आप क्लास 8th में पढ़कर आए होंगे daughter cells, ठीक है। कभी son cell नहीं बोलेंगे, always we will use daughter cells because they have the ability to divide. So, 2 or more daughter cells. Now, the fission is of 2 type. कौन कौन सा type है? हाँ जी, binary. Binary का मतलब बाई से ही पता है, बाई मतलब 2, ठीक है। And the B part is multiple, more than 2, ठीक है। And आपको एक दो organisms के name भी याद करके रखने हैं। So, in binary fish, ठीक है, बट दे हाँ। अब इसमें अमीबा और पैरामीशियम भी आएगा, बट उसमें भी कुछ आता है जो एनसीईआरटी में एक लाइन में ही है और वो कई बार सीबीएसई में आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। बाइनरी का मतलब होता है 2. सो द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स, हाँ डिवाइड्स और स्प्लिट वर्ड यूज कर सकते हो, इनटू 2, हाँ ठीक है, स्प्लिट्स और डिवाइड्स कुछ भी लिख सकते हैं, इज नोन एज बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल वी आर हैविंग अमीबा,
एंड पैरामीशियम, बट इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या कोई, चलो अभी बात करते हैं, हाँ लेशमैनिया ऑल्स, हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। हेयर किस तरीके से डिवीजन होता है, क्या स्टेप होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, स्टेप फॉलोड क्या होता है। फर्स्ट ऐसा नहीं है जस्ट यू हैव ड्रॉन एन अमीबा लाइक दिस, ठीक है। तो स्टेप्स आर दया, सब यहाँ पर है पेरेंट सेल, मीठा कम, पेरेंट सेल इज देयर, ठीक है बेटा ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि फटाफट टूट जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एलोंगेशन इन सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल एलोंगेट अलोंग विद द एलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सो एलोंगेशन ऑफ, आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए कि कब कौन सी चीज़ डिवाइड होगी। बच्चे तो बस ऐसे देखते हैं कि हाँ दो में, लेकिन वो दो टूट कैसे रहे ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेप्स कई बार अरेंज करने आते हैं। सो एलोंगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच ग्रेजुअली इंक्रीजेस इन अंदर की तरफ फोल्ड होती है, फॉलोइंग साइटोप्लाज्म इंटू टू पार्ट्स, जो साइटोप्लाज्म है उसको भी दो पार्ट्स में, बिकॉज वन सेट ऑफ कॉपी इज केप्ट बाय द पेरेंट सेल एंड द अदर कॉपी इज शिफ्टेड टू द डॉटर सेल, बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट फॉर सिमिलर डी एन ए कॉपिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन शुड रिमेन सेम। तो जैसे हम कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर का ब्लू प्रिंट, हम आपको बताते हैं भाई एक नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे इतने, तो दैट द टीचर्स आर गिविंग यू द ब्लू प्रिंट। सो फॉर क्रिएटिंग एनी कॉपी ऑफ द ऑर्गेनिज्म देयर इज अ क्रिएशन ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द बेसिक बॉडी डिजाइन, सो वन कॉपी इज कैप्ट बाय द पेरेंट सेल एंड अदर इज शिफ्ट टू द डॉटर सेल। सो वट इज हेयर द सेम थिंग, सो दिस विल बी एलोंगेटेड and a cell membrane will elongated in inwards along with the nucleus division, but the nucleus will not split into two parts, nucleus will also on divides like this, is tarah se nucleus bhi aise elongate hoga like this, then उसके बाद फिर क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड्स, मेम्ब्रेन बाद में टूटती है, पहले न्यूक्लियस अलग अलग हो जाता है, ये ध्यान रखना बेटा स्टेप्स मैं पहले बता रही हूं। नाउ न्यूक्लियस डिवाइड्स, just created two copies here and then the two daughter cells are formed, clear everyone, are the steps clear to everyone? Yes. हाँ तो याद रखिएगा न्यूक्लियस पहले ब्रेक होता है उसके बाद आपके डॉटर सेल्स अलग अलग होते हैं। Any doubt here? Any doubt? Now, अब इसमें कुछ important बात जो है वो ये है, NCERT में सिर्फ आपको वो एक line में दिखेगी। Fusion in paramecium and amoeba can take place in any plane. ऐसे भी टूट सकता है, 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 कैसे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी elongation हो जाए। So we can write that फ्यूजन इन, ये मत सोच लेना मैंने कट कर दिया है, कैसे भी ब्रेक हो सकता है कहीं से भी। सो फ्यूजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, टेक प्लेस इन एनी प्लेन और ओरिएंटेशन, बट
क्या कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फ्यूजन एंड लेशमैनिया? बट फॉर स्पेशल, फॉर लेशमैनिया विच इज अ हाँ स्पेसिफिक प्लेन, व्हाट इज दैट प्लेन सार्थिक? हाँ सार्थिक, व्हाट इज दैट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन? सार्थिक कहाँ चला गया? कोई और बच्चा, एनी अदर? अगर हम कहते हैं कि जैसे फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन है इसका, अमीबा और पैरामीशियम का, तो वो किसी भी, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं लेट करती हूँ कि यहाँ से होगा, सपोज मैं कहती हूँ यहाँ से डिवीजन होगा, तो एक के पास तो फ्लैजिला चला जाएगा और एक के पास होगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सो यहाँ पर जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगा वो कौन सा होगा? सो दैट इज अलोंग द फ्लैजिला। सो हियर, सो दैट जो डॉटर सेल है और जो पेरेंट सेल है, दोनों के पास ये स्पेशल फीचर रहे, सो इट विल बी अलोंग द फ्लैजिला, सो दिस विल बी द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन फॉर द डिवीजन ऑफ लेशमैनिया। गॉट इट? एनी डाउट हियर? सो एनसीईआरटी में ये स्पेशल एक ही लाइन लिखी है और ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। इन हेयर इट विल ऑकर इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दी स्ट्रक्चर्स। क्लियर एवरी वन? सो दिस इज स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। हाँ जी बोल। हाँ बोल। हाँ बोलो क्या बेटा? ये बेटा इसमें ये है, जैसे मैंने इसमें पहले बताया कि अमीबा जो है, अमीबा में डिवीजन हम कैसे भी ले सकते हैं, मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, हाँ मैं क्या मतलब जो भी प्रोसेस है दैट कैन टेक प्लेस इन एनी ओरिएंटेशन, ठीक है? नो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इज देयर बिकॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फीचर, ओके? बट अगर मैं लेशमैनिया की बात करूँ तो लेशमैनिया के पास एक स्पेशल फीचर है दैट इट हैज़ अ फ्लैजिला। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि द रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, तो अगर मैं कहती हूँ इस प्लेन में हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इज़ इट पॉसिबल कि इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करेगा? क्या ये ऐसे ब्रेक हो सकता है? क्या नहीं ना? क्यों? क्योंकि जो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर तो फ्लैजिला है ही नहीं, तो इस कॉपी के पास तो ये जाएगा ही नहीं, इज इट क्लियर? सो फॉर दिस देयर विल बी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दैट इज अलोंग द विप लाइक फ्लैजिला, तो दिस इट विल हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दैट इज अलोंग द फ्लैजिला, ठीक है? सो हेयर द लेशमैनिया ऑलवेज डिवाइड्स अलोंग द फ्लैजिला। क्लियर? ओके, सो दिस वॉज फ्यूजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ द नेक्स्ट इज, सेकेंड इज मल्टीपल फ्यूजन। तो ये जैसे पता ही है वहाँ पे ओनली टू था, हेयर व्हाट विल बी देयर? इन हाँ इन दिस फ्यूजन न्यूक्लियस और ऑफ अ पेरेंट डिवाइड सेवरल टाइम्स हाँ इनटू मैनी डॉटर सेल्स, ठीक है? और यही रीजन होता है बेटा, कोई मुझे इसका एग्जाम्पल देगा? एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हाँ प्रोटोजोआ। तो यही रीजन होता है बेटा, जब किसी को मलेरिया होता है तो एकदम सडन इफेक्ट क्यों पड़ता है, सडन इतना ज़्यादा प्लेटलेट्स क्यों हमारे कम हो जाते हैं, इतना ब्लड काउंट में आरबीसी कम क्यों होता है? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इन मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, देयर इज़ अ सेल वॉल, वी कैन से दैट इट देयर इज़ अ पेरीफरी
ठीक है, वेयर देयर इज वन न्यूक्लियस ओनली, ठीक है, देयर इज न्यूक्लियस, देयर इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस इज हेयर एंड हेयर, साइटोप्लाज्म इज हेयर एंड अ सिस्ट इज फॉर्म्ड, हम इसको सिस्ट बोलते हैं एक तरह से, सिस्ट मीन्स एक प्रोटेक्टिव वॉल। तो जब ये हमारी बॉडी में आ जाता है, वॉल होती है एक तरह की, तो क्या होता है बेटा, ये अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में बन जाते हैं, बहुत सारे मैनी डॉटर सेल्स ये हमारी बॉडी में बनते रहेंगे तब तक हमारी बॉडी में इन्फेक्शन इतना फैलता नहीं है। वंस क्या होगा, तो ये मल्टीपल फ्यूजन होंगे, मैनी डॉटर सेल्स बन गए और अभी हमारी जो पेरिफेरी है वो भी ब्रेक नहीं हुई, तो एकदम से हमारा प्लेटलेट काउंट मलेरिया ये में क्यों कम होता है, बिकॉज वंस द सेल वॉल ब्रेक्स, एक बार सेल वॉल ब्रेक हुई, दीज आर रिलीज्ड, सिस्ट ब्रेक्स, कहाँ चले जाएंगे बेटा, ये कहाँ जाएंगे जल्दी बताओ, वेयर दे आर फ्लोइंग, कहाँ चलेगा ये सब डॉटर सेल्स, हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो कहाँ चले गए, अरे बता दो, सिस्ट ब्रेक होने पर एकदम ये इतने सारे डॉटर सेल्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं मलेरिया के केस में, एंड दे स्टार्ट गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड हेंस दे इंक्रीजेस द इन्फेक्शन इन द बॉडी, सो एकदम इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि तब तक सप्रेस्ड रहता है, क्योंकि अभी तो सेल के अंदर ही ग्रो कर रहा है, अभी हमारे ब्लड में नहीं आया, एक बार सिस्ट टूट गए तो ये सारे लार्ज ग्रुप्स में ऐसे पता नहीं कितने डॉटर सेल्स हमारे बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड में, एंड देन दे ग्रो मल्टीपल टाइम्स एंड हेंस इंक्रीजेस द इन्फेक्शन, दिस इज द रीज़न दैट कि इन्फेक्शन इतनी जल्दी फैलता है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। मतलब कहते हैं कि 1000 इंडिविजुअल्स जो हैं वो बना सकता है एक पेरेंट सेल, इतना ज़्यादा इसका इफेक्टिव इन्फेक्शन होता है। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सो यही केस है, आप लिख सकते हो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, मलेरिया होता है इससे। तो हमारे इम्यून सेल्स भी इतनी जल्दी फिर फाइट नहीं कर पाते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन, अभी बेटा मैं लिखवा रही हूँ उसके बाद आप फ्रेगमेंटेशन, जैसे नाम से ही पता है फ्रेगमेंट्स पीसेस। सो अभी जो हमने ऊपर पढ़े थे दे वर फॉर्म यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही हुआ, ये भी यूनिसेलुलर, अब बात आ रही है फ्रेगमेंटेशन। सो इट इज फॉर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनका बहुत ज़्यादा हम हैं, हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज अ टाइप ऑफ एल्गी स्पायरोगायरा, ठीक है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, इंटू कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशलाइज टिश्यू, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है, सिंपल बॉडी डिज़ाइन है। तो एल्गी का अगर हम देखते हैं तो एल्गी का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, स्पायरोगायरा जो होता है,
अपॉन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाता है, अपॉन मैच्योरेशन द बॉडी, एल्गी इसलिए तो इतनी जल्दी फैलती है पानी में, द बॉडी डिवाइड्स इनटू सेवरल पीसेस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है बेटा, कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। बेटा लेस देन वन मिनट है, उसके बाद दोबारा आप लोग ज्वाइन करेंगे। देन ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। लाइक दिस, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हर जो है एक नए फ्रेगमेंट जो है वो नए एक पेरेंट में बनेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन?